गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास सिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर वन नाउइंग आवर नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट वन, तो आज मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक, तो अब इसमें है 1 लाख और फिलअप 10,000, 1,100,000, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ मिलियंस और 1,000,000 लाख, यानी कि इसमें 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं। अगर हम 10,000 को डिवाइड करते हैं तो 1,100,000, 10,000, तो 10,000 में अगर 10 करेंगे तो वो होगा आपका 10। ऐसे 1 मिलियन में है तो इंटरनेशनल में है तो 100,000 में हो जाएगा आपका 1,000,000। ऐसे ही आपका 1 करोड़ में अगर 10 लाख है तो वो भी आपका 10,10,000। 1 करोड़ है तो मिलियंस होगा तो ये भी आपका 10। 1 मिलियन में लाख होगा तो वो भी आपका 10 लाख। तो इसमें आपका 10,000, 10,100,000, 10,10,000, 10,000,000 और 10,00,000, तो इसमें आपको डिवाइडेशन हो गया ये, ठीक है, कि 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं, हाउ मैनी। 1 मिलियन में 100,000 हाउ मैनी कितने होते हैं, तो 10, तो इसमें सब में 10। क्लियर है? तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन है आपका ए पार्ट, 73 लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड, तो यहाँ पर आपका न्यूमरल लिखने हैं, तो 73 लाख, तो 73 लाख 75,307। अब कॉमा भी लगाना है, अगर हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से करते हैं तो वो आपका 2-2 के कॉलम में लगेगा, 100 के बाद 2-2 का कॉलम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, इसके आगे के पार्ट इसी तरीके से करने हैं। ऐसे है क्वेश्चन नंबर 3, तो अब उसमें आपको इंडियन सिस्टम में न्यूमरेशन दिया हुआ है तो इसका नेम लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसके बी सी डी पार्ट अपने आप करने हैं। क्लियर है? तो अब इसमें जो आपको करना है क्वेश्चन नंबर थ्री में, क्वेश्चन में उतार बता समझा देता हूँ। इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो इसका ए पार्ट है 87, ठीक है, 59, 57, 62। अब इसमें कॉमास भी लगाना, अगर इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगाते हैं तो 87, 59, 57 और 62। कॉमास अगर हम लगाते हैं तो पहला 100 पे, दूसरा 2-2 का कॉलम, तो अब ये आपका हो गया 1,10,100,10,000,00,10,00,008। तो अगर हम लिखते हैं 8 करोड़
ई आप बड़ा बना ले सकते हैं इसे, तो 8,75,000 ठीक है, 95 इसमें आपका है 75 लाख, क्योंकि करोड़ के बाद लाख है, और फिर उसका बाद 95,000 क्लियर है, उसके बाद 762 तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का करना है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल तरीके से करना है, इसी तरीके से जैसे आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है इंटरनेशनल सिस्टम ए पार्ट। अब इसमें आपको दिया हुआ है 78,21,091। अब इसमें अगर हम कॉमा लगाएंगे तो इसमें 3-3 के कॉलम लगते हैं, ठीक है, तो 1,10,100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000 ठीक है। तो अब इसमें करेंगे 7,000,000 821,000 ठीक है, 91 ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इंटरनेशनल वाले करने हैं। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए वो आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। अभी आपका एक्सरसाइज जो आगे की है वो आपकी 1.2 जो एक्सरसाइज है वो इसी पार्ट में मैं आपको करके दे देता हूँ, तो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 1.2 इसी पार्ट के अंदर है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें प्रॉब्लम सम्स है, आप इसे ध्यान से करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ काउंटर ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फाइनल डे, यानी 4 डे पे उसने सेल किए टिकटों की, तो टोटल कितना है। तो हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, ऑन फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे में कितना है, 1,094, ठीक है। ऐसे ही आपका नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, सेम इसी तरीके से करना है सेकेंड डे। इसमें आपका कितना है, 1,812। ऐसे ही आपका ये कॉमा लग रहे हैं तो सेम ऊपर वाली डिजिट हो रही है, सोल्ड ऑफ थर्ड डे, ठीक है। थर्ड डे में आपका है 2,050। ऐसे ही आपका फोर्थ डे है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे, फोर्थ डे में है 2,751 ठीक है। तो अब ये 4 डे हो गया, तो टोटल टिकट सोल्ड, तो टोटल यानी कि चारों दिन के कितने हैं, टोटल टिकट
सोल्ड। कितने टोटल टिकट सोल्ड हुए? तो अब इसका टोटल कर दो। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 7707 यानी कि 7707। क्लियर है? तो देयरफोर सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवन टिकट वर सोल्ड ऑन ऑल द फोर डे। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट कराया है, तो सेकंड और थर्ड ये आपको अपने आप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये आपको अपने आप करने हैं, ठीक है? तो इस पार्ट में आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करना है, ठीक है? तो यहाँ तक आपका पार्ट 1 का वीडियो समाप्त होता है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे, ठीक है? थैंक यू।